आईजी ग्रामीण इंदौर शुक्रवार को वार्षिक निरीक्षण के लिए सुबह करीब 11 बजे पुलिस लाइन पहुंचे। आईजी राकेश गुप्ता ने परेड की सलामी लेने के बाद अधीनस्थों का दरबार लगाया। संभवतः पहली बार पुलिस कर्मियों के साथ ही पुलिस परिवार को भी आमंत्रित किया गया था, जहां दरबार में आईजी ने सार्वजनिक समस्या के साथ पुलिस कर्मियों के बच्चों के करियर, उनकी पढ़ाई के साथ ही खेलों में रुचि को लेकर सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा, पुलिस कर्मियों को ड्यूटी की व्यस्तता होती है, ऐसे में बच्चों के कक्षा 10वीं और 12वीं के बाद विषय चुनाव, करियर के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कई बार सामंजस्य नहीं बैठ पाता। ऐसी स्थिति में पुलिस विभाग द्वारा संभाग के बाद जिला स्तर पर भी पढ़ाई में मदद, खेलों में प्रोत्साहन, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कोर्स शुरू करने की पहल की जा रही है। दरबार में बच्चों ने जहां शासकीय आवासों में जगह की कमी के चलते लाइब्रेरी की मांग रखी, तो वहीं पुलिस कर्मियों ने परिसर में सामुदायिक भवन, पुलिस लाइन के जर्जर सड़कों की मरम्मत पर ध्यान आकर्षण कराया। आईजी ने भरोसा दिलाया कि विभाग बच्चों की पढ़ाई के साथ उनके करियर में मदद के अलावा बुनियादी सुविधाएं देने का प्रयास करेगा। इस दौरान कई पुलिस कर्मियों के परिवारों ने पारिवारिक समस्या बताते हुए स्थानांतरण जैसी मांगों के आवेदन भी सौंपे। इस दौरान डीआईजी तिलक सिंह, एसपी धर्मवीर सिंह, एएसपी मनीष खत्री आदि मौजूद थे। संचालन एसडीओपी राकेश शुक्ला ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। पुलिस परिवारजनों से एक बार मिलकर बैठे थे और उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे पुलिस परिवार के बच्चे एक सही दिशा में जाएं, सही दिशा में पढ़ाई लिखाई करें, अपना करियर ढूंढ सकें। तो उसके बारे में आज हमारी चर्चा हुई कि क्या पढ़ना चाहते हैं, भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, क्या मदद हम करें। कुछ सजेशंस भी आए, जैसे एक बच्चे ने बोला कि भाई पढ़ने के लिए अच्छा स्थान चाहिए, घर छोटे हैं, तो उसके बारे में लर्निंग सेंटर हम लोग शीघ्र ही यहाँ चालू करेंगे, जिसमें कि बच्चे अपने शांति से आए और बैठकर पढ़ सकें। करियर के लिए इंदौर से कोचिंग, खरगोन में कोचिंग, उसमें क्या क्या हम मदद पुलिस विभाग की ओर से कर सकते हैं, आज इसके बारे में भी चर्चा हुई है। अभी ये हमारा प्राथमिक दौर है चर्चा का, इसके आगे भी हम लोग अभी अपने दौर आगे रखेंगे जारी। तो कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा उद्देश्य जो माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय का है कि जिसमें पुलिस परिवार के बच्चों के लिए हम कुछ अच्छा कर सकें, इसके लिए आज हम सब लोग यहाँ करते हैं। और इस सम्मेलन में सभी परिवार शामिल हुए और हमारा आज मुख्य उद्देश्य ये था कि हम पुलिस परिवार के हमारे बच्चे कैसे अच्छा पढ़ सकें, अपने जीवन में और आगे सफलता पा सकें, उसके लिए क्या क्या सुविधाएँ हम विभाग की ओर से दे सकते हैं, इस बारे में बात करें। तो एक बात तो बहुत अच्छी उठकर आई कि बच्चों को एक पढ़ने का स्थान चाहिए, छोटे घर हैं और ऐसी जगह जहाँ बच्चे बैठे और अपना शादी में पढ़ सकें, तो ऐसे स्थान के बारे में हम ये करना चाहेंगे। बाकी अभी एक हॉस्टल हमारा इंदौर में शुरू होने वाला है, तो इसके संबंध में हमारी चर्चा हुई है, जो परिवार जन की बच्ची है वहाँ जाकर रहकर अपना पढ़ना चाहिए। बाकी करियर के अन्य ऑप्शन कैसे, इंजीनियरिंग में जाना है, कैसे उसके लिए क्या क्या काउंसलिंग हम करा सकते हैं, उसके बारे में भी हमने अभी क्लियर में चर्चा की है। लेकिन ये अभी चर्चा की शुरुआत, मुझे लगता है अभी उतना फोकस अभी हमारी चर्चा में आया है, तो धीमे धीमे जैसे जैसे सेंसिटिविटी इसमें आती जाएगी, हम लोग तय करके इसमें आगे बढ़ेंगे। देखिए, कुल मिलाकर हम सभी एन जी ओज मदरसे के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो कुल मिलाकर हम ये जानते हैं क्या और इसमें मुझे पूछा भी देख रहे हैं कि कहीं पर भी अवांछनीय गतिविधि सभी जगह जहाँ अवांछनीय गतिविधि है, इसमें हमें कोई समस्या नहीं है, अवांछनीय गतिविधि नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।